सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां वाणिक्यमौलि स्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी आपीनवक्षोरुहा रत्न मलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां न्यायेत् परामम् जय माँ ललिता अंबिका जय गुरुदेव आप सभी साधकगण और भक्तगणों के हृदय में निवास करती माँ ललिता अंबिका को मैं प्रणाम करती हूँ और अपने समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं माँ ललिता के जो ध्यान मंत्र है उसमें तंत्र और भक्ति दोनों के मेल मिलाप करते हुए दोनों में समन्वय बनाते हुए उनके अर्थों को मैं आपको समझा पाऊँ माँ ललिता के प्रति आपकी भक्ति सुदृढ़ हो पहले के ध्यान मंत्रों में मैंने बताया कि नवविधा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण से शुरू होती है और पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये उसके नौ जो स्टेप्स हैं ऐसे की जाती है तो माँ ललिता की भक्ति भले आप लोग तंत्र कहते हैं इसको लेकिन इसके अंदर भक्ति के भक्ति के सूत्र गुथे हुए हैं तो पिछली बार जो हमने ध्यान मंत्र किया बिल्कुल भक्ति भावना वाला ध्यान मंत्र किया और वो भक्ति भावना से ध्यान करना ही तंत्र है टेक्निक तंत्र का एक अर्थ है टेक्निक यूं पढ़ लेना और चले जाना रट्टू तो तक जैसे ऐसे हम नहीं करते हम ध्यान करें तो ध्यान में डूब जाए तो हम जहां देखें वहां हमें माँ का स्मरण हो आए। हम सूर्य को देखें तो मां को स्मरण करें हम चंद्रमा को देखें तो मां को स्मरण करें हम तारा को देखें तो मां को स्मरण करें हम फलों को देखें तो मां को स्मरण करें हम कमल के फूल को देखें तो मां को स्मरण करें घट घट यानी ये शरीर <laughs> जितने शरीर जितने जीव जितने जीवात्माओं को हम देखें सब में हमारी माँ ही प्राणशक्ति के रूप में है चित्त शक्ति के रूप में है इच्छा शक्ति के रूप में है क्रिया शक्ति के रूप में है जहां नजर घूमे बस हमें हमारी मां नजर आए यही यही टेक्निक है यही तंत्र है और इस प्रकार से प्रेम को मां प्रेम से मां को देखना और मां के स्मरण में खोए रहना यही भक्ति है अब इसी भक्ति और तंत्र दोनों को मेल मिलाप करते हुए अब हम दूसरे श्लोक का श्रवण करते हैं अरुणा करुणा तरंगिताक्ष धृतपाशाकुश पुष्प बाण चापा आणी मादि भीवृत मयूखई भवान दूसरे श्लोक में हम पुनः ध्यान करते हैं मां के विग्रह का कैसी दिखती है क्या रंग है अरुणा अरुणा सुबह का जो सूर्य होता है वो अरुण रंग का होता है या शाम का जो सूर्य होता है अरुण रंग का होता है मां कैसी दिखती है अरुणा क्यों बार बार मां को लाल लाल अरुणा अरुणा किया जाता है मां प्रेम का स्वरूप है आनंद का स्वरूप है मां प्रेम मां मंगल का स्वरूप है मां शुभ का स्वरूप है माँ जितनी अच्छी चीजें हो रही है संसार में ये सब कुछ का स्वरूप मां है और प्रेम को हम लाल रंग से दर्शाते हैं तो मां लाल लाल प्रेम रूपी लाल ऐसी मां हमारे सामने बैठी है तो अरुणा देखते ही हृदय में प्रेम आना चाहिए ऐसा प्रेम मां के नजरों से निकल रही है और कैसी है अरुणा करुणा मां करुणा से भरी है अरुणा करुणा तरंगिताक्ष और मां के नेत्र कैसे नेत्र कहते हैं मां के नेत्रों से करुणा की तरंग निकल रही है करुणा की लहर निकल रही है पहले श्लोक में कहा गया सिंधु विग्रह त्रि नये नाम तीन नेत्रों वाली अब कह रहे हैं ये जो तीन नेत्र हैं तीनों नेत्र नेत्रों से जो तीनों लोगों को देख रही है वो त्रिपुर सुंदरी उसके नेत्र कैसे हैं उसमें से करुणा के तरंगे निकल रही हैं लहरें निकल रही है आप समुद्र में जाते हैं कभी समुद्र किनारे पर्यटन करने जाइए समुद्र देखिए कितना विशाल है कितनी दूर तक है और समुद्र की जब लहरें आती हैं उमड़ उमड़ के पीछे से बड़ी लहर आएगी कितना आनंद आता है समुद्र के अंदर निकलने का मन नहीं करेगा समुद्र से तो मां की जो या जैसा समुद्र इतना विस्तार है समुद्र का ऐसे ही मां मां के नेत्रों का विस्तार है यहां से लेकर के स्वर्ग लोकों तक उसके उससे भी परे और जैसे समुद्र में लहरें एक के पीछे एक के पीछे आती कभी रुकती नहीं है ऐसे ही मां के तीनों नेत्रों से करुणा की लहरें निकल रही हैं तरंगायित हो रही हैं पूरे ब्रह्मांड को अप्लावित करते हुए मां के नेत्रों की तरंगे हैं तो जब हम मां के नेत्रों को देखें तो इस प्रकार से दर्शन करना कि ये तरंगे आपके अंदर उठ रही हैं आप इनको आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं आप इनको महसूस कर रहे हो ये होता है ध्यान ध्यान जब करें तो मन चित्त सब कुछ खो जाए उन भावों में ये होती है भक्ति और इस भक्ति भाव से मां का स्मरण करना ये होता है तंत्र टेक्निकुणा करुणा पहले वाले जो ध्यान मंत्र था उसमें माधवी भुज थी दो हाथ थे उनके एक हाथ से कमल हिला रही थी षोड़शी त्रिपुर सुंदरी सोलह साल की और एक हाथ से रस पी रही थी आसव, आनंद में थी और जब बैठी तो चरण रख दिया लाल रंग के घट के ऊपर और बैठी है लाल लाल चरण लेकर के यहां पर मां का दूसरा स्वरूप प्रकट होता है जो है चतुर्भुज चार हाथों वाला स्वरूप क्या लिया है चार हाथों में एक हाथ में तो है रस्सी पाश दूसरे हाथ में है अंकुश तीसरे हाथ में है एक कामदेव का बाण होता है ना कामदेव का बाण पांच फूलों वाला बाण चौथे हाथ में है नाइ बेसिकली अब मां को ये चारों चीजों से क्या करना है ये चारों चीजें क्या दर्शाती हैं तो जब आपकी जब आप माँ के दर्शन कर रहे हो तो ऐसे ही दर्शन करना अरुण अरुण विग्रह की बैठी हुई है उनके नेत्रों का आपने प्यारा प्यारा दर्शन किया अब दर्शन के बाद आपके नजर उनके हाथों पे जाते हैं जब दर्शन करने जाए ना कभी भी तो ऐसे ही दर्शन करना चाहिए पूरी तरह से देखना चाहिए अच्छे से समय निकाल करके तो मां के हाथ में रस्सी है मां के हाथ में अंकुश है रस्सी क्या करेंगी रस्सी से अपने भक्तों को मां बांधती हैं और भक्त क्या करते हैं मां बांधो हम भी आपके प्रेम के रस्सी के डोर में बंधना चाहते हैं तो जो भक्त मां को प्यार से पुकारते हैं तो मां अपने प्यार वाली रस्सी उनके गले में फेंकती है रस्सी फेंक करके खींचती है अपनी तरफ और भक्त भी बोलते हैं हां मां खींचो ना भक्त का तो भाव ही कुत्ते के जैसा होता है आपको पता है जब भी माँ की पूजा होती है ना तो भैरव जी की पूजा होती है होती कि नहीं तो हम लोग तो अभी भैरव जी सोचेंगे तो फिर भैरव जी तो फिर वो विकराल कराल ऐसा वाला स्वरूप आता है लेकिन मैं अभी भैरव का वो वाला स्वरूप हटा करके क्योंकि भक्ति में हूँ तो भक्ति भाव से हम माँ को याद करेंगे क्यों भैरव की पूजा होती है बटुक भैरव नवरात्रि में कन्याओं को बुलाते हैं फिर एक लड़का है छोटा लड़का होना चाहिए साथ में तो ही तो ही आपकी कन्याओं की पूजन पूरी होती है छोटा लड़का बटुक भैरव है क्यों भैरव का जो वाहन है वो है कुत्ता 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 अपने जो मालिक के प्रति इतना सिंसियर होता है मालिक के पीछे 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 घूमता है मालिक को कभी वो अपने भूलेगा नहीं कुत्ते का ऐसा भाव होता है कुत्ता इतना प्रेम देता है कुत्ते का ऐसा भाव है ऑनेस्टी लॉयल्टी, ईमानदारी वफादारी ये कुत्ते में ये स्वभाव है और ऐसा जो कुत्ता होता है वो भैरव जी का वाहन है क्या और उस कुत्ते की उस तो जहां भैरव जी की पूजा हो गई समझिए कि वो कुत्ता भी साथ में है अब हम कुत्ता देखते हैं तो कुत्ता वाली बात यहां पर अलग है यहां पर भक्ति की बात हो रही है कि भैरव किसके साथ होते हैं वो ऐसा भक्त जो कुत्ते के समान जिसकी बुद्धि है वो इतना वफादार है इतना वफादार है इतना वफादार है कि वो एक क्षण के लिए भी अपनी मालिक या अपनी मालकिन अपनी महारानी महाराजी माता को कभी नहीं भूलता वो कुत्ता जो भगत ऐसा होता है वो भैरव समान होता है ऐसे भगत के साथ भैरव होते हैं और जहां भैरव होते हैं वहां त्रिपुर सुंदरी होती है समझ आया तो भैरव जी हमेशा कुत्ते के साथ है लेकिन कुत्ता कैसा है कुत्ते का अर्थ होता है ऐसा भगत आपकी वफादारी कि आप आप मां को एक क्षण के लिए नहीं भूल रहे एक क्षण के लिए नहीं भूल रहे ऐसा प्रेम ऐसा कुत्ता अपना मालिक को करता है हम भी तो वही हैं हम तो कुकुर ललिता के कुकुर यानी कुत्ता हम तो कुकुर ललिता के मोतिया हमारा नाम हम तो ललिता के कुकुर है और हमारा नाम क्या है कोई ऐसा ऐसा छोटा मोटा नाम नहीं है मोती नाम है मोती <laughs> कुत्ते का नाम रखा है मोती हमारा नाम मोती है भाई क्यों नहीं हो हमारी ललिता माणिक हमारी महारानी माता माणिक्य में जटी है तो हम भी मां के ही हैं हम भी मां के कुकुर हैं हमारा नाम भी मोती है हम तो कुकुर ललिता के मोतिया हमारा नाम गले माता की पाश है गले माता की रस्सी है जित खेचे तित जाए हम तो अपनी माँ के कुकुर हैं हमारा नाम मोती है माँ ने प्यार से अपनी पाश हमारे गले में बांध करके रखी है और माँ हमें जहाँ खींचती है हम भी पीछे पीछे जाते हैं हमें और क्या चाहिए बस माँ हमें ऐसी खींचते रहे हम भी ऐसी उनके पीछे पीछे जाते रहे तो माँ ने एक हाथ में पाश पकड़ के रखा है ये आदान प्रदान के लिए ये प्रेम के लिए प्रेम की रस्सी में बंधने के लिए हम जब मां के पास का दर्शन करें तो ऐसे ही दर्शन करें दूसरे हाथ में है अंकुश हाथी के ऊपर महाउत होता है ना वो अंकुश लगाता है हाथी को कंट्रोल करने के लिए हाथी इतना भारी है ऐसा बड़ा जानवर है लेकिन उसको भी एक माहूत नियंत्रित कर लेता है महाउत कैसे नियंत्रित करता है अंकुश से उस हाथी से भी ज्यादा बड़ा है हमारा मन हमारा मन रूपी हाथी जो कभी बंधने को तैयार नहीं तो मां ने अंकुश लेकर के रखा है मां कहती है कितना कहां तुम जाओगे ये मेरा अंकुश है ना ये तुम्हें नियंत्रित करता रहेगा एक बार मां से प्यार हुआ समझ लेना अब आप बंध गए हो अब बार बार उनका अंकुश जगह जगह में आप छिटकने की कोशिश करोगे आप गलत काम करने की कोशिश करोगे मां का अंकुश आपको लगता रहेगा खींच खींच करके खींच खींच करके अपनी तरफ लेते आएंगे तो जब भी दर्शन करना मां का अंकुश आपके मनरूपी हाथी को जिसने नियंत्रित कर रखा है वो है मां का अंकुश अपने प्रेम के पाश में जिसने बांध रखा है वो है मां का पाश प्रेम पाश और एक हाथ में है मां के पास कामदेव के बाण उसके बहुत अर्थ आते हैं एक है कि कामदेव को जिंदा करने वाली मां है शिव जी तो बड़े क्रोध में आए एक दिन तपस्या में बैठे थे कामदेव को भेजा इंद्र ने जाओ तपस्या भंग कर दो शिवजी ने अपने नेत्र खोले कामदेव वहीं भस्म हुए कामदेव जब भस्म हुआ तो जब जब माता त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई वो लीला जब हम अर्थों में जाएंगे तब तो उसको स्मरण करें श्रवण करेंगे तो आई अरे हमारे पति को आप जिंदा कर दीजिए मां ने पुनः प्राण शक्ति प्रदान करी कामदेव को तो कामदेव जी गए सारे संसार को कामदेव परेशान करते हैं कामदेव के बाण से कोई नहीं बच सकता संसार में लेकिन इस कामदेव को कामदेव के बाण में वो आकर्षण शक्ति आई कहां से वो तो मां के ललिता के हाथ में है वो जो है ना कामदेव का बाण वो मा, मा ललिता के हाथ में है वहां से कामदेव ने शक्ति ली है सबके ऊपर बाण सब छवि पर जाते हैं जब हम मां के रूप को निहारते हैं मां के रूप का चिंतन कर रहे हैं अब हम और हमारा जब ध्यान मां के हाथों में रखे इसके ऊपर जाता है तो करोड़ों करोड़ों करो कामदेव क्या कर लेंगे हमारा क्या करेंगे साक्षात कामेश्वर बैठी कामेश्वरी बैठी है सामने क्या करेंगे कामदेव हमारा करोड़ों करोड़ों कामदेव नतमस्तक हैं। हम जब मां को ऐसे देखें तो मां कामदेव के बाण कुछ काम करते हैं जब आप कामदेव के बाण का पहला काम होता है आपको देखा कामदेव के बाण ने तो हर्षण मतलब आपको बड़ी किसी कामदेव जब बाढ़ चलाते ना संसार में एक लड़का ने एक लड़की को देख लिया देखते ही एक पता नहीं क्या आनंद आ रहा है उसको देखने का बार बार मन कर रहा तो है तो हर्षण कहते हैं उसको हर्षण कर दिया अब घर आए अब अब वही चेहरा बस घूम रहा है बस दिमाग के अंदर बस फिर से कब दर्शन होगा फिर से कब दिखाई दी जाएगा या दिखाई दे जाएगी संसार के प्रेम की बात कर रही हूं <laughs> फिर कब देखना होगा रुचि आने लगती है इंटरेस्ट अब अब सारे संसार से इंटरेस्ट खत्म होकर केवल अब उसके अंदर ही इंटरेस्ट है तो हर्षण फिर कहते हैं उसको रोचनम और उसके बाद ऐसा मन मोहित होता है ऐसा मन मोहित होता है बस अब रात दिन बस उसी की कल्पना उसी की कल्पना उसके बिना कुछ है ही नहीं मोहनम हर्षनम रोचनम मोहनम किसी को किसी से प्रेम हो रहा है काम देने ये काम किया तीर चलाया है <laughs> तीर चलाया है तो ये हालत होगी लड़का लड़की की उसके बाद हो जाता है शोषणम अब भूल गए अब प्रेम हो गया प्रेम में फिर उसको कहते हैं शोषणम कि बस अब अब हम हम फिदा हो गए तुम पर हम घायल हो गए तुम पर अब आप हमारे साथ जो करना चाहे करो अब चाहे सर फूटे या माथा यारा हमने तो हां कर दी ये होता है ना संसार का प्यार चाहे सर फूटे या माथा यारा हमने तो हां कर दी इसको कहते हैं शोषणम <laughs> और ऐसा शोषण ऐसा तो शोषण होता है अंत में मारणम मारणम कर दे कि हम अपने पूरी अस्तित्व को भूल करके बस अब बिल्कुल अब जिसको हम प्रेम करते हैं हम उसके साथ चल रहे हैं वो प्रेमी हमको जैसा नाच नाचाना चाहे हम नाच रहे सो कहते हैं मारणम हमारा अस्तित्व खत्म हो गया तो संसार का ये जो प्रेम है हर्षणम देख करके खुशी हुई तीर चल गया कामदेव का <laughs> हर्षणम रोचनम मोहनम शोषणम मरणम ये तो संसार की दशा है माँ ने जब तीर लेकर के रखी है यही कामदेव की एक तीर मां के हाथ में माँ को क्या जरूरत पड़ी तीर की <laughs> तो पहला तो मां सीधे कामेश्वर कामेश्वर शिवजी को ही पहले वो कर देती हैं, जो ये सब हो रहा है यहां पर जो कामदेव का काम है वो तो पहले कामेश्वरी कामेश्वर वो करती है वहां पर मां का दिल नहीं भरता फिर हमारे जैसे प्यारे प्यारे भगत लोग हैं ना मां को देख करके जब अर्चना करते हैं स्तुति करते हैं प्रेम से मां बोलती बस अब मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं मैं कामेश्वरी हूं अब तुमको संसार से प्यार नहीं हो सकता अब तो केवल तुमको मुझसे ही प्यार करना है मैं ही हूं जो हूं तुम्हारी तुम अब मुझसे प्यार करोगे अब मां ने अपने बाण उस कामेश्वरी ने अपने बाण हम पे चला दिए होते हैं अब जब चला देते हैं बाण तो दशा क्या होती है वाह वाह घायल कर देती है पूरी तरह से घायल कर देती है अब कुछ और अच्छा ही नहीं लगता देखोरी ललिता बाला इतनी सुंदर है ना ऐसे नजरों से देखोरी ललिता बाला नैनो से बाण चलाती है हम पर सब पर जो भी उनको याद करता है देखोरी ललिता बाला नैनों से बाण चलाती है बाढ़ चलाकर हमको हाय घायल ये कर जाती है हमको घायल कर बेदर्दी हमको घायल कर बेदर्दी मंद मंद मुस्काती है हमको घायल कर बेदर्दी स्मित मुखी कहलाती है देखो री ये ललिता प्यारी नैनों से बाढ़ चलाती है देखो री ये ललिता प्यारी मंद मंद मुस्काती है स्मिता मंजरी जख्मे जिगर पर स्मिता मंजरी जख्मी जी घर पर नमक मिर्च छिड़काती है देखो री ये ललिता प्यारी नैनो से बाढ़ चलाती है मंद मंद मुस्काती है हमको घायल कर बेदर्दी नमक मिर्च बुरकाती है ये ललिता <laughs> तो नैनों के कटाक्ष से चाहे मंद मंद मुस्कुरा करके ये ललिता त्रिपुर सुंदरी ये बाला त्रिपुर सुंदरी ये अपने भक्तों के ऊपर ऐसा ऐसा प्रेम का बाण चलाती हैं कि भक्त घायल हो जाते हैं घायल हो जाते हैं तो भक्तों को लगता है बस अब इनके अतिरिक्त कुछ नहीं है लेकिन ये हाथ भी तो नहीं आती हाथ नहीं आती कभी तो भावात्रिक होता है ऐसा लगता है बस रोते रहो इनको याद करके ना अच्छो इनको याद करके खोए रहो इनके ख्यालों में और कभी ये ऐसी ऐसी घायब हो जाती है कई कई दिन आती नहीं है तो जब नहीं आती तो ऐसी पीड़ा होती हृदय में कहाँ है मां कहाँ है मां कहाँ छुपी हो तुम कैसे तुमको पाऊं कभी कभी विरा की पीड़ा होती है भक्त तो रोता जाता है रोता जाता है रोता जाता है उस समय की यह दशा है ये तो मंदमंद मुस्कुराने स्मित मुखी इनको तो बड़ा मंदमंद मुस्कराना आ रहा है लेकिन समझ नहीं रही क्या हमारे दिल की हालत क्या है ऐसे प्रेम के बाण चलाया है ऐसा जख्मी जिगर हुआ है और जख्मी जिगर पर तुम न, मुस्कुरा मुस्कुरा करके नमक छिड़क रही हो ऐसा भी क्या प्रेम है नमक छिड़कना तुम्हारा स्वभाव नहीं है ललते हे माते तुम्हारा स्वभाव नमक छिड़कना नहीं है नमक छिड़क के तुमको क्या मिलेगा हमारे मन में तो तुम्हारे प्रति प्रेम है हमारे हृदय में तो शहद जैसा प्रेम है शक्कर जैसा प्रेम है चाशनी जैसा प्रेम है हे मां हे मां हे महारानी हम आपको समर्पित करते हैं लीजिए आप इस प्रेम को पकड़िए मां कहती पकड़ूंगी ना और मां हमारे उस प्रेम रूपी मन को कभी तो कमल बना लेती हैं कमल मिला रही है और कभी जब चतुर्भुज रूप में होती है तो गन्ने के रूप में पकड़ती है तो वो जो गन्ना है ना गन्ना वो भक्तों का प्रेम भक्तों का प्रेम रस जिस रस में भक्त निरंतर डूबे होते हैं भक्त उनको कहा जाता है जिनकी सारी की सारी इंद्रियां केवल मां के स्मरण में है मां का स्मरण कैसे करेंगे मां के नामों से मां के लीलाओं से मां के गुण से मां के धाम से मां के ध्यान मंत्रों से ऐसा जो भक्त नित्य रस में सरोबार है गुलाब जामुन की जैसे मां ने जो पांच बाण लिए हैं उसका एक और अर्थ यह होता है कि जो भक्त के जो पांच कर्म इंद्रिया हैं पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं वो पांचों ज्ञानेन्द्रियां माने पकड़ के रखे हुए हैं अब वो ज्ञान इंद्रिया संसार में नहीं जाएंगी ये आंख ये कान ये नाक ये मुंह ये मन ये अब संसार में जाने को नहीं करेगा जिस भक्त की ऐसी दशा हो गई है कि आंखों से जब देखो तब मां को देखना है कानों से जब सुनो तो माँ की बातें सुननी है माँ के नाम का स्मरण करना है नाक से सुनो तो माँ के माँ को चढ़ाए हुए पुष्प के पुष्प अशोक के पुष्प मल्लिका के पुष्प मोगरा के पुष्प जूही चमेली के पुष्प माँ को चढ़ाए हुए यही सुनने को मन यही सुनने का इच्छा होता है माँ के लिए जाओ तो अलग अलग गंध खरीद करके ले आओ मां को ये चढ़ाओ जो कुछ देखो मतलब ऐसा भक्त जिसने अपने इंद्रियों को इतना मां के साथ जोड़ा है कि हर एक इंद्री केवल मां के बारे में सोचती है मुख से मां के ही नाम निकल रहे हैं मां की वाणी निकल रही है मां की चर्चा हो रही है मन में मां दिन रात खेल रही है ललिता है वो ललिता वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है लल, ललिता यानी प्लेफुल खेलने वाली सोलह साल की है कभी बाला भी हो जाती हैं, बच्ची भी हो जाती हैं, लेकिन हमेशा जो खेलती रहती हैं जो भक्त के हृदय के अंदर खेलती हैं जो भक्त के मन के अंदर खेलती है जो भक्त के जिह्वा पर जिह्वा पर खेलती हैं भक्त के नेत्रों में वही बसी हैं तो भक्त का अंतर ध्वनि में भी उन्हें केवल माँ का ही माँ की ही वाणी सुनाई देती है ऐसे जो भक्त हैं जो निरंतर माँ के ही प्रेम के रस में डूबे हुए हैं भक्ति के रस में डूबे हुए हैं उन्हीं भक्तों को गन्ने का स्वरूप बताया गया है और माँ ने उसको कस के पकड़ा हुआ है कि ये तो मेरा अपना है इसे मैं कहीं छोड़ूंगी नहीं ये मेरा तो जब आप अगली बार भक्ति करें तांत्रिक लोग भी इस प्रकार से जब आप ध्यान करेंगे इस तकनीक इस टेक्निक को जब आप अपनाएंगे इस तंत्र को जब अपनाएंगे तो मां कभी आपसे दूर नहीं होगी आप मां के प्रेम को हमेशा हमेशा अनुभव करेंगे तो एक बार और पढ़ के फिर इसको एंड करते हैं अरुणा करुणा तरंगिताक्ष धृतपाशाकुश पुष्पाणाणी मादि भीरावत मयूख अहमित्यव विभाव भवान इतना जो भाव होने के बाद फिर माँ के चरणों पर फिर ध्यान जाता है तो अगली लाइन में कहते हैं आणी मादि भिरावृताम इतनी सुंदर माँ का जब दर्शन हमने कर लिया तो उसके उसके बाद मां के चरणों पर ध्यान जाता है तो केवल माँ के चरणों का ध्यान आता है मां के चरणों के पास अड़ी अणिमा अडि, लगीमा प्राप्ति इत्यादि जो जो सिद्धियां हैं अष्ट सिद्धियां जिनको हम कहते हैं वो सारी अष्ट सिद्धियां ऐसी बैठी हुई हैं भक्त का तो ध्यान भी नहीं होता इन सिद्धियों पर अगर कोई ललिता की साधना इसलिए कर रहा है कि उन्हें सिद्धियां मिले लोगों को बहुत ही होता है भोग और मोक्ष लेकिन वो मोक्ष खाली कहने की बात होती है लोगों के मन में भोग ही होता है भोग भी भोग का भी हायर लेवल हमको सिद्धियां मिल जाए वशित्व की सिद्धि मिल जाए हम दूसरे को वशीकरण कर लें प्राप्ति की सिद्धि मिल जाए हम जो चाहे पालें अणिमा महिमा लगीमा ईशित्व कि हम कहीं कुछ बोले हम कंट्रोलर हो जाए हम इतने महान हो जाए तो अष्ट सिद्धियां हैं वो तो मां के चरणों में ही है लेकिन भक्ति वाल भक्त जो भग, भगत होता है आप सौंदर्य पढ़ेंगे तो उसमें भी ये भाव आएगा कि भक्ति भगत को तो मां का जो भक्ति कर रहा है उसको ये सिद्धियां पीछे पड़ी उसके हाथ जोड़े लेकिन भक्त कहता है मुझे क्या करना भक्त का एक का, कहने की तो बात ही छोड़ो भक्त का ध्यान ही नहीं है ध्यान कैसे जाएगा अरे इतना सुंदर चरण है अलग तक लगे हुए ऐसे, ऐसे, नरम नरम चरण, चरण। ऐसे तो मन करता चरणों की सेवा करते पहनाए उनको बिछिया पहनाए हम उनको उनकी साड़ी को हम देखें ऐसे कोमल चरण है मां के बस हम अपने चरणों अपने मस्तक को बस मां के चरणों में लगाए रखें जब जब दशा ये होती है कौन सी अष्ट सिद्धियाँ कहाँ की अष्ट सिद्धियां पता ही नहीं हमें <laughs> हाँ पूजते हैं तो पता चलता है कि अच्छा हाँ वो श्रीयंत्र में है अष्ट सिद्धियां लेकिन सारी की सारी अष्ट सिद्धियां माँ के चरणों में जो माँ को प्रेम करता है उन्हें सिद्धियों से कुछ नहीं वो देखता है सिद्धियों को नमस्कार करता है लेकिन उसका ध्यान कभी माँ से नहीं जाता वो तो अपने मन रूपी ईख को माँ के हाथों में समर्पित समर्पित कर देता है इस ध्यान मंत्र का यही अर्थ आता है आणी माँ दिभिराव्रितमय खई हे माँ आपके चरणों का दर्शन हो रहा है जहाँ पर सारी सिद्धियां आपके चरणों की सेवा कर रही हैं हे माँ इस चरणों को हम नमस्कार करते हैं इन अलग इन अलग तक लगे चरणों को हम नमस्कार करते हैं और इन चरणों में से ऐसी द्युति निकल रही है ऐसी रोशनी निकल रही है ऐसा दैदिप्यमान विग्रह है हे माँ हम आपकी सिद्धियों के साथ आपको हृदय से हृदय से नमस्कार करते हैं विभाव ये भवानी हे हम आपका ध्यान करते हैं तो ये इसका भाव है अरुणा करुणा तरंगिताक्षिम मां के नेत्रों का ध्यान करना ऋतपाशाकुश पुष्प बाण चापाम मां के चारों हाथों में जो चीजें हैं उनका ध्यान करना और मां के चरणों का ध्यान करते समय अष्ट सिद्धियां उनके चरणों में बैठी है इसका ध्यान करते हुए फिर आपका ये दूसरा ध्यान हो जाएगा ठीक है बहुत बार प्रश्न आते कब ध्यान करना है अरे जब कर जब रोज करना है रोज करना ये कोई विधि नहीं है <laughs> ये मैंने कहा ना 24 घंटे मां के ख्यालों में खोए रहो और जिस तरह से मैंने अभी समझाया है आप सुनते सोचते 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 ऐसा निश्चित एक समय आएगा कि मां कभी हटेंगी ही नहीं, नहीं नजर के सामने ठीक है चलिए तो इसके साथ हमारा दूसरा वाला श्लोक का भी अर्थ हो गया अब तीसरे वाले श्लोक को हम अगले वीडियो में करेंगे जय मां जय गुरुदेव